लाइव काइंडली लेट मीन इन द कमेंट सेवरी वन नौ दिस पर्टिकुलर से वेरी इंपॉर्टेंट सेनली फॉर द पीपल हु फॉर द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन जनरल ये सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वु वेलकम यू ऑल टू दिसशन है ईगरली फॉर दिसशन हेलो उत्कर्ष मिश्रा आयुष आकृति एस के आराधना Shree Lakshmi, Himanshu, Shikha, Shalini, Jaivati, Sharmila, Shalvi, Abhay, Shalini, Ritika, Mary, Lakra, Ram, Kuldeep, Deepak, Aniket, Shalvi, Manoj, Chandrashekhar and every one of you. I welcome you all to this very important session once again and I hope the Josh is very very high. Now, what is special today? Today is Lodi. So सो हैप्पी लोडी टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो नाउ द ग्रेडअप हैज़ इट्स ओन वे ऑफ सेंग लोडी टू यू ग्रेडअप पर एक अपना तरीका है आपको लोहड़ी कहने का एंड दैट इज अ रीजन वी हैव गॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल दैट इज अ रीजन वी हैव गॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल जब हम बात करते हैं ग्रेडअप सुपर की एज यू ऑल नो ग्रेटअप सुपर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उम्मीद की जी दे स्पेशल ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू यूज द कोड होप फोटी वेन वी आर गेटिंग द ग्रेटअप सुपर सो आई होप

यू जस्ट टेल मी वन थिंग इन द कमेंट सेक्शन एवरी वन हम जब बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की इट हैपन्ड इन विच सेंचुरी ऑल टुगेदर कौन सी सेंचुरी में हुई थी एंग्लो मराठा वॉर्स ये बताइए मुझे कब हुई थी एंग्लो मराठा वॉर्स हु विल टेल मी दिस थिंग बताइएगा जरा बताइए वन डिड दीज वॉर्स टेक प्लेस बेसिकली कब हुई थी तो टाइम लाइन पता होनी चाहिए बताइए जरा ये जो युद्ध हैं जिनके हम लोग बात करने वाले हैं ये कब हुई थी वेन डिड इट टेक प्लेस दिस इज एनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक लेट मी टेल यू दिस थिंग ये एनफ है अच्छा मुझे बस इतना बता दो हाउ मेनी वॉर्स टेक प्लेस कितनी लड़ाइया हुई थी एंग्लो मराठा युद्ध जो हैं कितने हुए हैं ये आप मुझे बता दो कितने युद्ध हुए हैं ऐसे बताइए सिंपल है जी वेरी गुड वी हैड थ्री सच वॉर्स तीन लड़ाइयाँ हुई हैं अब मैं आपको बहुत बेसिक से तरीके से बताऊंगा ये बिकॉज आई नो सब ने सुना जरूर हुआ एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में लेकिन जब कोई पूछता है इनके बारे में तो आपको पता नहीं होता क्यों हुई थी लड़ाइयाँ कब हुई थी अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर एक मैं सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ देखो अगर कहीं पर कोई बोलता है एंग्लो मैसूर तो चार लड़ाइयाँ हुई हैं एंग्लो मराठा तीन लड़ाइयाँ हुई हैं एंग्लो सिख दो लड़ाइयाँ हुई हैं ठीक है तो ये आपको समझना है कि ये वॉर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी गुड अंकित मौर्य गुड जॉब बाय यू सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर आंसरिंग दिस वेरी वेरी नाइसली ऑल टूगेदर सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की कितनी वॉर्स हुई हैं आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट एंड टेल मी कितनी वॉर्स हुई हैं दो वॉर्स हुई हैं तीन हुई हैं चार हुई हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज मैं चाहूंगा इस पर्टिकुलर क्लास में इस क्लास में हम लोग ये चीज़ देखते रहें और सोचते रहें उसका आंसर फाइन सो आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे इसी के ऊपर मैंने पहला क्वेश्चन भी बनाया आज का बिकॉज आज की क्लास इस तरह से लेंगे हाउ मेनी सच वॉर्स टू प्लेस वी आर टू सच वॉर्स थ्री सच वॉर्स फोर सच वॉर या फाइव सच वॉर्स सो वी हैड थ्री सच वॉर्स तीन एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी वेरी गुड नाउ तीनों के हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे एनालाइज करेंगे क्यों हुई थी कब हुई थी किस किस के बीच में हुई थी कैसे हुई थी और उसके क्या रे, रेप्रिकॉशंस थे क्या रिजल्ट थे ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे बट उससे पहले आई वॉन्ट टू गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मराठास की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की चल रही थी एटीन सेंचुरी में ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वैन एवर बी टॉक बथ द मराठास ने सुना होगा मराठास के केस में हम लोग अक्सर बात करते हैं पेशवास की पेशवास हुआ करते थे पेशवास वर लाइक द प्राइम मिनिस्टर पेशवा जो होते थे ना उनके प्राइम मिनिस्टर की तरह होते थे जैसे पेशवा बालाजी बाजीराव का नाम आपने सुना होगा पेशवा बालाजी बाजीराव जो कि एक बहुत फेमस पेशवा थे उनके सो पेशवा इज लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा एम्पायर ऑफ मराठा एम्पायर ये वही मराठा एम्पायर है जिसको छत्रपति शिवाजी जो है उन्होंने स्टैब्लिश किया था दैट्स अ बेसिक थिंग तो हमने क्या देखा पाश पेशवा बालाजी बाजीराव इस वन आपको पता होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक्रेस सेवनटीन 1761 की बात है 1761 में मराठास बहुत बुरी तरह हारे किस से अब्दाली से अब्दालीज जो थे उन्होंने बहुत बुरी तरह किसको हराया मराठास को हरा दिया जब अब्दालीज ने मराठास को हराया जब अब्दालीज ने मराठास को हराया तो हमें क्या चीज़ समझ आती है हमें एक चीज़ समझ आती है वो ये है दैट इट वॉज अ मैसिव डिट डिफीट फॉर द मराठाज ये बहुत बड़ी जो डिफीट थी वो किसकी थी मराठास की थी एंड अल्टीमेटली वट डज इट लीड टू इट लीड्स टू अ ग्रेट शॉक टू द पेशवा पेशवा जो थे बहुत ज्यादा शौक में चले गए और पेशवा की इससे मृत्यु हो गई तो so, पेशवा की डेथ हो गई नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड हम लोग बैकग्राउंड से चल रहे हैं आगे एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच ठीक है सोम ने क्या देखा ही पास डिवीन सेवन ड्यूटी शॉक मराठा हार चुके थे इनको बहुत ज़्यादा शौक लगा इनकी डेथ हो जाती है इनकी मृत्यु जब हुई तो इनके बाद माधवराव पेशवा आ जाते हैं इनके जो सन है इनके जो बेटे माधवराव पेशवा वो पेशवा बन जाते हैं सिंपल सी बात है तो हमने क्या देखा 1761 से लेकर 1772 तक तो टू तक पेशवा रहे सब कुछ स्मूथ चल रहा था लेकिन जब इनकी डेथ होती है जब इनकी डेथ होती है न, 1772 में तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तब प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई माधव राव डाइट इनके जो ब्रदर थे नारायण राव वो पेशवा बन गए यंग एज में तो नारायण राव बन पेशवा 1772 ऑनवर्ड्स लेकिन प्रॉब्लम इससे किसको हो रही थी रघुनाथ राव को प्रॉब्लम हो रही थी रघुनाथ राव कौन थे रघुनाथ राव वाज़ द अंकल ऑफ होम ही वाज़ द अंकल ऑफ पेशवा नारायण राव नारायण राव के क्या थे अंकल थे अब रघुनाथ राव को लग रहा था कि मैं बड़ा हूं मुझे पेशवा बनना चाहिए तो इन्होंने क्या किया नारायण राव की असैसिनेशन करवा दी 1773 में और जैसे ही असैसिनेशन करवाई डिसम्बर सेवनटीन सेवनटी थ्री ऑनवर्ड से क्या बन के पेशवा बन गए मतलब चाचा ने अपने भतीजे को मार दिया और ये खुद क्या बन के पेशवा बन गए यहाँ तक तो क्लियर है स्टोरी यहाँ तक स्टोरी क्लियर है लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया कहानी में ट्विस्ट कैसे आया जब इनकी मृत्यु हो जाती है किसकी हमने देखा नारायण राव की तो मृत्यु हो गई इनका मर्डर हो गया था इनका मर्डर हो गया था लेकिन इनके मर्डर के बाद इनके एक बेटा पैदा होता है कब पैदा होता है लगभग अप्रैल 1774 में इसका नाम रखा गया माधव राव टू सवाई माधव राव भी बोलते हैं हम लोग या माधव राव नारायण भी बोला जाता है सो ही वॉज द पोस्ट ह्यूम सन ऑफ नारायण राव असैसिनेशन मतलब होता है मर्डर असेसनेशन का मतलब होता है मर्डर कर देना किसी की मृत्यु हो जाना किसी की खून कर देना किसी का तो हमने क्या देखा उसका बेटा पैदा हो जाता है अब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है समझिएगा हमने देखा क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है हमने देखा क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद बेटा पैदा हुआ है तो अब रघुनाथ राव जो था उसको फिर से प्रॉब्लम होगी क्यों क्योंकि सब लोग चाहते थे कि माधव राव ही बने पेशवा और अब प्रॉब्लम किसको हो गई रघुनाथ राव को प्रॉब्लम होगी क्यों क्योंकि वो पेशवा बनना चाहता था क्योंकि वो पेशवा बनना चाहता था तो क्योंकि अब मराठास के अपने ही कैंप के अंदर क्योंकि मराठास के अपने एम्पायर के अंदर इतनी ज़्यादा भूख थी पावर के लिए दिस इज़ द रीज़न ऑफ एंग्लो मराठा वॉर तो आप एक चीज़ समझो पहले तो एंग्लो मराठा वॉर का मतलब क्या होता है एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश मराठाज तो मराठास है ही है तो हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी ब्रिटिश और मराठा का युद्ध होगा उसको एंग्लो मराठा वॉर कहा जाएगा एंग्लो मराठा युद्ध कहा जाएगा दैट हैज टू बी देयर इन योर माइंड्स इतना तो क्लियर हो गया अब आप ये चीज समझ गए हो कि हाँ ब्रिटिश और मराठा के युद्ध को क्या बोलते हैं हम लोग एंग्लो मराठा युद्ध बोलते हैं वन थिंग इज वेरी मच क्लियर तीन ऐसे युद्ध हुए हैं और ये तीनों युद्ध का कारण यही रहा है कि मराठास के अंदर यूनिटी की बहुत ज्यादा क्या थी कमी थी यूनिटी देयर वाज दिस लेस यूनिटी या यूनिटी वाज लैकिंग उट द मराठाज यूनिटी वॉज लैक इन द मराठा यह सबसे बड़ा कारण बना है युद्ध होने का ये सबसे बड़ा कारण बना है मराठाज और अंग्रेजों के युद्ध होने का सिंपल सी बात यह है सेवनटीन सेवनटी फाइव से सेवनटीन एटी टू के बीच में पहले तो आप ये समझो एक तो होती है वॉर एक होती है बैटल्स तो याद रखिएगा जैसे वॉर होती है ना ये लंबे ड्यूरेशन के लिए चलती है और जो बैटल्स होती हैं वो छोटी ड्यूरेशन के लिए होती है क्लियर अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि नारायण राव को मरवाया रघुनाथ राव ने ताकि वो पेशवा बन सके लेकिन रघुनाथ राव के साथ ये प्रॉब्लम हो गई दैट रघुनाथ राव जब पेशवा बनने के लिए तैयार था जब वो ऑलरेडी पेशवा बन भी चुका था तो उसके बाद हमने क्या देखी उसके बाद हमने एक चीज़ देखी दैट नारायण राव जो मर चुका था उसके पोस्ट ह्यूमसन पैदा होता है मतलब उसकी मृत्यु के बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसको हम माधव नारायण ना भी बोलते हैं एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इज बिग प्रॉब्लम फॉर रघुनाथ राव अब रघुनाथ राव को यह लगने लगा कि क्योंकि वो पेशवा नहीं बन पा रहा है तो वो क्या करेगा वो ब्रिटिश की मदद लेगा ही विल टेक द हेल्प ऑफ ब्रिटिश सो हमने क्या देखा कि इन परिस्थितियों में रघुनाथ राव रघुनाथ Rao took हेल्प ऑफ ब्रिटिश उन्होंने अंग्रेजों की क्या की मदद ली उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद ली और अंग्रेजों की मदद लेते लेते उन्होंने उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली ट्रीटी ऑफ सूरत ब्रिटिश गवर्नर जनरल हम देखते हैं उस समय वॉरन हिस्सिंग देखते थे सारा उनके अंडर आता था और 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की गई ट्रीटी ऑफ सूरत किसने साइन की रघुनाथ राव ने साइन की किसके साथ ब्रिटिश के साथ साइन की रघुनाथ राव क्या चाहता था रघुनाथ राव सिर्फ इतना चाहता था कि आप कुछ टेरिटरीज़ ले लो हमसे आप हमसे कुछ कुछ टेरिटरीज़ ले लो और इसके बदले में ब्रिटिश क्या देंगे उनको सोल्जर्स देंगे लगभग 2500 सौ सोल्जर्स दे देंगे जिससे रघुनाथ राव का काम हो जाएगा तो रघुनाथ राव ने जब ब्रिटिश की मदद मांगी है यही एक कारण बना है एंग्लो मराठा वॉर का क्यों क्योंकि ये जो सोल्जर्स थे ये किसकी तरफ से थे एंग्लो इंग्लिश की तरफ से थे और बाकी जो पेशवा है उनकी फोर्सेस थी तो इनके बीच में जो फाइट हुई है 1775 से 1782 के बीच में इसको बोला जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से ही समझ आ चुका था ब्रिटिश को भी कि मराठा चाहे फर्स्ट फर्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार चुके हैं लेकिन मराठास अभी भी इतने वीक नहीं हुए हैं इसलिए सेवनटीन एटी टू में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमें अपने जो हथियार है रख देने चाहिए और वॉरन हेस्टिंग ने महाजी शिंदे के सामने महाजी सिंधिया जो है मराठास की तरफ से एक ट्रीटी साइन की जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सालबाई तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बैटल ये जो वॉर है ये स्टार्ट किस ट्रीटी से हुई थी तो आप बोलोगे ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हुई थी और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये ख़त्म किस ट्रीटी से हुई थी तो आप बोलोगे ट्रीटी ऑफ साल से खत्म हुई थी सेवनटीन एटी टू में पॉइंट क्लियर हुआ दैट सर्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट क्लियर सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं एंड यू शुड हैव दिस आइडिया इन योर माइंड सो ऑल द थिंग्स विच आई एम आस्किंग यू उसको बहुत ध्यान से सोच के चलिएगा उसको बहुत ध्यान से करिएगा बिकॉज अल्टीमेटली आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू गिव यू मैसेव क्लैरिटी इज इट क्लियर एनी डाउट्स यू हैव यू हैवर्टनी लेट मी नो कोई भी अगर डाउट है आपके जहन में आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड ठीक है ना तो ये आ जाता है कि स्टार्टेड विद कौन सी ट्रीटी तो ये साफ साफ पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए इज इट क्लियर सो दीज आर द काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सर्टली एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन एनी डाउट टिल हैर यू कैन सर्टली लेट मी नो देखिए ट्रीटी ऑफ बेसिन जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हम लोग करेंगे अभी वो ट्रीटी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ओनली दिस ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट इज इट क्लियर एनी डाउट यू कैन आस्क मी बिल्कुल बिल्कुल अब यहां पे इज अ क्वेश्चन फॉर यू आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन सो दे इज अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इट इज देयर ऑन यू स्क्रीन एवरी वन तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट एंड आंसर दिस क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि सब लोग कमेंट करके इसका आंसर करें एवरी वन सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू सो क्विज इसके साथ इनबिलिटी है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड विद ट्रिटी ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सूरत ट्रीटी ऑफ सालबाई ट्रीटी ऑफ देवगांव या ट्रीटी ऑफ बैसी एवरी वन वॉचिंग द सेशन मेक श्योर यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन सब लोग कमेंट करेंगे तो ये स्टार्ट कब हुई थी 1775 में स्टार्ट हुई थी बराबर 1775 में कौन सी ट्रीटी हुई है सूरत और 1782 में कौन सी ट्रीटी हुई है सालबाई सो so आप ये ध्यान रखिएगा सूरत से स्टार्ट हुई सालबाई में खत्म हुई सो आंसर शुड बी ए फॉर एप्पल एवरी वन सो नाउ दिस इज़ अ सेशन दिस इज अ सेशन विच इज़ वेरी बेसिक सेशन बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सेशन से आपकी रिविज़न बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी जो रिविजन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एवरी वन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद विच ट्रीटी इट एंडेड विद ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सूरत ट्रीटी ऑफ सालभाई ट्री टी ऑफ देवगांव या ट्रीटी ऑफ बेसीन यहाँ पे हो जाएगा ट्रीटी टी ऑफ सालभा विच वॉज साइन बिटवीन मराठाज एंड द ब्रिटिश इन सेवनटीन एटी टू दीज आर दाइप ऑफ एग्जामिनेशन और इवन द एफ एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर तो आप देख सकते हैं साथ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं साथ के साथ हम लोग इसको रिवाइज करते जा रहे हैं वी आर ट्राइंग टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर दैट इज द ब्यूटी ऑफ सच सेशंस इस तरह के सेशंस की यही एक खासियत है जो हम लोग देखते हैं ऐप क्लियर हो गया इतना सो so अब आप कभी भूलोगे नहीं नाउ यू विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग बहुत बेसिक सी चीज़ है चलिए सो so यहाँ आंसर आ गया दैट वॉर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बिगन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंडेड विद्री ट्रीटी ऑफ सालभाई दैट्स इट फाइन सो ऑल द पीपल हु थिंक दैट दिस इज यूजफुल सेशन मेक श्योर यू लाइकिंग द सेशन एंड शेयरिंग द सेशन नाउ दिस इज अ सेशन विच इज नॉट अ वेरी कॉमन सेशन जिसके अंदर हम लोग थ्योरी और क्विज दोनों एक साथ चला रहे हैं दोनों एक साथ कर रहे हैं इट इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग इट इज अर्टली नॉट अ वेरी कॉमन थिंग फाइन नाउ बिफोर वी गो टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हम लोग इससे पहले कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तक जाएं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ हैव गॉट अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू ठीक है नाउ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इसको ऊपर ध्यान से देखिएगा आपको बस बताना है यहाँ पे कुछ आपके लिए पेयर्स है ठीक है सो वॉट यू हैव टू टेल मी दैट इनमें से पेयर्स जो हैं वो नॉट करेक्ट कौन सा है या नॉट करेक्टली मैच कौन सा है दैट्स अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड बताइए गायकवाड्स वर एट बड़ोडा वर एट इंदौर सिंधियाज वर एट ग्वालियर भोसले एट नागपुर बताइएगा इंटरेक्टिव यूट्यूब पे नहीं हो सकता ना बताइए ए बी सी डी कौन सा इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड है विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बताइए एवरी वन इट्स अ बेसिक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू वेरी गुड अच्छा सोचिए और बताइए एवरी वन आंसर कैन बी नोटा ऑल्सो अगर आप नोटा चूज करना चाहते हो नोटा भी आंसर है दैट इज ई ई इज नोटा सो हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक टू गो विव कन्विक्शन इन योर आंसर्स एवरी वन ट्राई टू हैव सम कन्विक्शन इन योर आंसर्स बताइए देखिए गायकवाड्स आर एट बड़ौदा मोसले एट नागपुर सिंध एट ग्वालियर होलकर इंदौर एंड पेशवा एट पूना सो यू शुड गो विद नोटा इनफैक्ट मेरे बिना ऑप्शन दिए ही आपको यह बात बतानी चाहिए थी दैट नोटा इज द राइट आंसर आया समझ सारे करेक्ट हैं ऑल आर करेक्ट ऑल आर एबसोल्यूटली करेक्ट सो दैट इज द टेस्ट विच यू हैव सो ऑल आर करेक्ट सु वही मैं बता रहा हूं ना इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कितना ज्यादा रिविजन कर सकते हैं अच्छे से वो हम लोग करें याद रखिएगा जब भी हम लोग मराठा कॉन्फिटरेसी की बात करते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि फाइव मेजर चीफ्स होते थे इनके पांच मेजर चीफ थे पेशवास होते थे पूना पुणे या पूना वैसे बोलते उसमें पूना गायकवाड़ बड़ौदा होते थे होलकर इंदौर होते थे सिंधिया ग्वालियर होते थे भोंसले में नागपुर होते थे पर एक प्रॉब्लम थी देर वॉज अ बिग प्रॉब्लम दे हैड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर इनके पास क्या था इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते थे बहुत ज़्यादा एंड इतने इंटरनल कन्फ्लिक्स थे कि जो पेशवा है सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन है वो हमेशा अपनी पोजिशन को खतरे में समझते थे पेशवा हमेशा अपनी पोजीशन को क्या समझते थे खतरे में ही समझते थे तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी जहन में होनी चाहिए ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए फाइन सो यू हैव टू फोकस ऑन वन पॉइंट एंड वॉट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज वॉट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज दैट मराठास का टाइम जो था इट वॉज अ वेरी रफ टाइम इट वॉज़ अ रफ टाइम फॉर मराठास एज वेल वाई क्योंकि मराठास का आपस में बलती नहीं थी आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता था दैट कंफ्लिक कंफ्लिक क्या था एक दूसरे की टेरिटरी टेरिटरी अटैक करते रहते थे इज इट क्लियर सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब आप एक चीज समझिएगा कि वेन एवर वी आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होता है दैट इज द मेन आइडिया इज इट क्लियर एनी अब आप एक चीज देखिए हम लोग सेकेंड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको यहां पे बस एक चीज बतानी है वॉट इज दैट दैट इज सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर है उसके टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे बताइए हुज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग This particular war. Anyone? So that's a question for you all. Second Anglo Maratha War took place during the office of which Governor General? Warren Hasing, Lord Wellesley, Lord Hasing, Lord Curzon. So that's a quiz for all of you. That's a simple question for all of you. Everyone. वेरी गुड अतुल अंकित सौरव पूनम मोनिका वेरी नाइस सो यू कैन ऑल कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स ट्राई टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स विद यू आंसर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इसको कमेंट करिएगा और फिर मुझे आंसर बताइएगा क्या है सो बिल्कुल सही जवाब है आपका लॉर्ड वेलेजली देखो भाई वॉरन हेसिंग तो हो गए हमारे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे मानते हो ये बात सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो होगी एटीन जीरो थ्री एटीन जीरो फाइव में इस टाइम पे कौन होंगे लॉर्ड वेलेजली होंगे लॉर्ड कर्जन तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले हैं एटीन नाइनटी नाइन से नाइनटीन जीरो फाइव ये तो बहुत बाद में आए हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे थोड़ी देर बाद में तो आपको ये जितने भी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली दिस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फ्रॉम जी के पॉइंट ऑफ व्यू जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है सो ट्राई टू फोकस इन दैट पर्टिकुलर वे फाइन समझ आया सो so आंसर क्या हो गया हमारा यहां पे बी फॉर बॉम्बे लॉर्ड वेलेजली 1790 से 1805 तक अगर आप देखोगे तो लॉर्ड वेलेजली रहे हैं क्लियर फाइन वेरी गुड एम ए आई नो यू नो द आंसर वेरी नाइस सो ऑल द पीपल हु आर नोइंग द आंसर मेक श्योर करिएगा आप कमेंट जरूर करें सो दैट वी गेट टू नो दैट यू नो द आंसर ताकि हमें पता चले कि आपको ये आंसर पता है वेरी गुड सो इससे क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मिलती है इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मिलेगी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे मैंने बताया इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलता था तो अठारह से दो अक्टूबर की बात है एक बैटल ऑफ पूना हो गई क्या हो गई बैटल ऑफ पूना न वॉट इज़ बैटल ऑफ पूना पूना के अंदर हमने देखा जैसे होलकरस थे होलकर मैंने बताया ना कहाँ पे थे इंदौर में होते थे इन्होंने अटैक किया पेशवा को और पेशवा को हरा दिया इस समय जो पेशवा थे वो कौन है बेसिकली पेशवा बाजी राव टू तो बाजी, राव टू और पेशवा बाजीराव टू किसके सन थे वॉज अ सन ऑफ रघुनाथ राव ये रघुनाथ राव तो आप तो खुद सोचिए रघुनाथ राव जैसा था वैसे ही उसका बेटा था बाजीराव टू था बाजी राव टू डर गया किससे डर गया होलकर से डर गया और बाजीराव टू हेल्प मांगने किसके पास जाएगा बताइए कमेंट करके बाजीराव टू हेल्प मांगने जाएगा इंग्लिश के पास फिर से इस बार जब वो इंग्लिश के पास गया हेल्प मांगने के लिए तो इंग्लिश ने क्या किया एक ट्रीटी साइन करवाई इनसे ट्रीटी जो साइन करवाई गई उसको क्या बोला जाता है ट्रीटी ऑफ बेसिन याद रखेगा तो हमने क्या देखा आपस में लड़ते लड़ते मराठा जो है उनमें से एक मराठा जो था पेशवा बाजीराव टू ये किसके पास अलग गया ब्रिटिश के पास चला गया इंग्लिश के पास चला गया हेल्प लेने के लिए और यहां पे वेलेजली जो बैठे हुए थे लॉर्ड वेलेजली इन्होंने इनसे साइन करवाई ट्रीटी ऑफ बेसिन क्या साइन कराई ट्रीटी ऑफ बेसिन तो अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पहले पूछना चाहता हूँ कि द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी कौन सी ट्रीटी के साथ हुई है फर्स्ट एंग्लो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर बताइए फर्स्ट का तो आपने बता दिया सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट किससे हुई है ट्रीटी ऑफ सूरत ट्रीटी ऑफ सालवे ट्रीटी ऑफ देवगांव या ट्रीटी ऑफ बैसीन बताइए इट स्टार्टेड विद ट्रीटी ऑफ बेसीन याद रहेगा सो वेन एव वी इन द क्वेश्चन आंसर फॉर थिंग्स आर रिटेन विद अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम चीजें हमारे जहन में ज्यादा देर तक रहती हैं ऐसा मेरा मानना है सो ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो द आंसर कमेंट करके ही आपने आंसर बताना है ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो द आंसर सो यू कैन ऑल यू आर वॉचिंग द सेशन इससे क्योंकि रिविजन हो जाएगी एंड वैन यू लाइक द वीडियो तो वीडियो विल स्टे इन योर लाइक वीडियो लिस्ट और आपको रिविजन में हेल्प हो जाएगी पता है ना आपको वैन यू लाइक अ वीडियो इट इज़ देयर इन द कलेक्शन ऑफ द लाइक वीडियो तो ये ट्री टी ओ बेसिन है टी टी ओ बेसिन साइन की गई है डिसम्बर एटीन जीरो टू में यहाँ पर हमने देखा बैठ लो पूना के बाद बाजी राव टू ने साइन किया इसको बैठ के बेल इजली के साथ ये ट्रीटी ऑफ बेसिन एक बहुत बड़ा स्टेप थी मराठास के अंत की तरफ ऐसा क्यों है ऐसा सिंपली ये है थैंक यू आदर्श थैंक यू सो मच ऐसा क्यों हुआ है ये आप समझिएगा देखिए ट्रीटी ऑफ बेसिन किस तरह की ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ बेसिन को एक बार अगर, अगर आपने साइन कर लिया उसके बाद आप ये मान के चलिए कि जो मराठा एम्पायर इतना बड़ा दिखता था वो उतना बड़ा रहेगा नहीं वाई डज इट वाई डू वी से दैट इन दैट मैनर उसका सिर्फ इतना सी बात है उसका सिर्फ़ एक रीज़न है सबसे बड़ा वो क्या है द रीज़न इज द रीज़न इज कि ये एक सब्जरी अलायंस ट्रीटी थी सब्जरी अलायंस का मतलब बस इतना समझ लो वो ये होता है कि मराठास की जो अपनी फोर्स थी वो उनको क्या करनी होगी छोड़नी होगी आज के बाद जो ब्रिटिश है ब्रिटिश क्या करेंगे मराठास को अपनी फोर्स प्रोवाइड करेंगे मराठास किसी भी और पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते कोई संधि नहीं कर सकते कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते तो हमें देखने को मिला 1803 से 1805 की जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है जो किसके टाइम पे हुई है वेलेजली के टाइम पे हुई है लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे हुई है इस जो वॉर में हमने देखा बहुत सारे लोग लड़े सिंधिया लड़े होलकर लड़े सब लड़े फ्रेंच भी लड़े इनकी तरफ से लेकिन हमने क्या देखा हमने देखा सबको लगभग मराठास की तरफ मराठास हारे हैं बुरी तरह हमने देखा पेशवास वो तो पहले साइन कर चुके थे ट्रीटी टी को हराया और ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन की गई सिंधियास को हराया ट्रीटी टी ऑफ सुरेनजाम साइन की गई भोसले को हरा के ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन की गई एंड द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल तो ये बात याद रखिएगा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट वॉर वाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स सर्टनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉर और इसने कहीं ना कहीं मराठास को बहुत वीक बना दिया था इसे मराठास को क्या बना दिया था बहुत वीक बना दिया था क्लियर सो दैट हैज टू बी देयर इन योर माइंड कब हुई है 1803 से 1805 के बीच में हुई है लीडिंग द ब्रिटिश इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक सबको समझ आ गया है वेरी नाइस अब हैविंग सेट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हैविंग सेट दिस पर्टिकुलर थिंग एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से आ चुका है स्क्रीन पे सो ट्राई टू आंसर दैट इन द कमेंट बॉक्स एवरी वन कमेंट सेक्शन में ही आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर बताइएगा जरा जो तीसरा युद्ध हुआ है एंग्लो मराठा वॉर 1817 1818 में हुई है नॉट ऑल ट्रीट इज आई ट्रीटियो बेस इन इज इम्पॉर्टेंट एन के थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच पर्टिकुलर गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड करजन अब देखिएगा अब मैं आपको बताता हूँ देखो वॉरन हेस्टिंग के टाइम पे हुई है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ध्यान से सुनो वेलेजली के टाइम पे हो गई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हेस्टिंग के टाइम पे हो गई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर और कर के टाइम पे, पे तो हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल वो तो बहुत बाद में हुआ नाइनटीन तो इससे क्या समझे है? आप देखो कितने बढ़िया तरीके से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं साथ के साथ पढ़ें और साथ के साथ ही हम लोग उसको आंसर करते रहें दैट इज वॉट आई पर्सनली वॉन्ट फ्रॉम ऑल यूर साइड इज ए क्लियर सो इसको आपने याद रखना है अच्छे से एंड दैट इज द ओनली वे टू डू थिंग्स इन अ बेस्ट वे फाइन सो आप क्या याद रखोगे वॉरन हेस्टिंग्स के साथ फर्स्ट लॉर्ड वेलेजली के साथ सेकेंड लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ थर्ड इस तरह से याद रख लो ठीक है एच डब्ल्यू एच इस तरह से डब्ल्यू एच डब्लू एच वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसे याद रखने इसको वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री डब्ल्यू एच वॉर हेस्टिंग्स डब्ल्यू वेलेजली एच इज ओनली हेस्टिंग्स सो हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एक निमोनिक है इट इज़ अ ट्रिक टू रिमेंबर दैट कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भैया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में कौन था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन था सो यू हैव टू सर्टनली कीप दैट इन योर माइंड एवरी वन समझ आ रहा है सबको आई होप ऑल ऑफ यू आर इंजॉइंग द सेशन मुझे उम्मीद है आप सबको इस सेशन में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उम्मीद है आप सब इस सेशन से बहुत कुछ लर्न कर रहे हो ये टॉपिक को इतना नया नहीं है लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ इस टॉपिक में जो लर्निंग है आपकी वो बहुत नई है जो आप लर्न कर रहे हो ना इस टॉपिक में वो बहुत नया है सो so, तभी मैं बोल रहा हूँ मेक श्योर यू आर ऑल लाइकिंग द सेशन एंड शेयरिंग द सेशन सो दैट सबको इससे मदद मिले सो so, दैट सबको इससे मदद मिले वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री इज द ट्रिक डब्ल्यू एच इज वॉरन हेस्टिंग डब्ल्यू इज वेल H डी एच इज हेस्टिंग्स फाइन चलिए वेरी गुड आई एम ग्लैड दैट यू ऑल आर डूइंग इट डिलीजेंटली मुझे उम्मीद है दैट आपको सब ये बढ़िया से चीजें समझ आ रही हैं देखिए सेशन अमेजिंग तभी लगेगा वेन यू आर टेकिंग फुल इंटरेस्ट मुझे उम्मीद है कि आप मतलब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो एंड दैट इज द वे टू गो अबाउट इट आप ठीक है जी वेरी नाइस चलो नेक्स्ट अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पिंडारिस के बारे में पिंडारिस देखो कईयों के लिए तो ये लुटेरे थे कईयों के लिए मरोडर्स थे ये, ये बेसिकली पिंडारिस की हम जब भी बात करते हैं पिंडारिस क्या थे पिंडारिस ना मराठास की मदद करते थे मराठास की ये हेल्प करते थे किसी भी वॉर में पिंडारिस लेकिन प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम ये हो गई कि जो वॉर हुई ना एंग्लो मराठा वॉर ये एंग्लो मराठा वॉर जो सेकेंड वाली हुई इसके बाद मराठास को पिंडारिस को छोड़ना पड़ा पिंडारिस क्या हो गए रीतिका अलाहाबाद ट्रीटी यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है एंग्लो मराठा वॉर जब हुई 1803 1805 में तो बेचारे पिंडारिस क्या हो गए जॉबलेस हो गए ये हो गए जॉबलेस अब जॉबलेस अगर कोई हो जाता है तो कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है तो पापी पेट का सवाल है तो क्या करेंगे ये लोग ये लोग फिर लूटपाट करने स्टार्ट कर देंगे दे दे स्टार्टेड स्टार्टेड लूटिंग रॉबरीज़ ऑन द हाईवेज़ इन्होंने बहुत सारा कुछ इस तरह का करना स्टार्ट किया और अब ब्रिटिश ने एक बात बोल दी मराठास को कि हमें पिंडारिस को ठिकाने लगाना होगा हमें पिंडारिस को ठिकाने लगाना होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये बात बहुत ही क्लियरली क्लियर शब्दों में इनको बता दी थी कि हम अब पिंडारिस को ठिकाने लगाएंगे और मराठास को इस चीज़ का दुख था क्योंकि पिंडारिस एक सॉफ्ट कॉर्नर तो शुरू से थे मराठास के लिए तो हमने हमेशा देखा कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं 1817 में इन्होंने मराठास को बोल दिया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं अब लोग हम लोग पिंडारीस को क्या करेंगे ठिकाने लगाएंगे तो मराठा ने बोला ठीक है तो जब लॉर्ड हेसिंग ने स्टार्ट किया पिंडारी को ठिकाने लगाना तो मराठास को थोड़ा बुरा लगा ये सब मराठाज़ इकट्ठे हो गए और उससे स्टार्ट हो गई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एटीन सेवनटीन की बात है मराठास यहाँ पे एक चीज़ के लिए लड़ रहे थे जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते थे वो थी सेल्फ रिस्पेक्ट एक आत्मसम्मान के लिए मराठास यहाँ पे लड़ रहे थे आत्मसम्मान के लिए मराठास यहाँ पर लड़ रहे थे और यहां पर कौन थे लॉर्ड हेस्टिंग्स ब्रिटिश के साइड पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वॉर को हम लोग पिंडारी वॉर के नाम से भी जानते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज पिंडारी वॉर इसलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑफ द फॉलोइंग वॉर इज ऑल्सो नोन एज पिंडारी वॉर सो इट इज बेसिकली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिंडारी वॉर बाय एवरी वन काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे ये भी एक क्वेश्चन है तो हमने क्या देखा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को लड़ा गया है और इसने बेसिकली एक बहुत बड़ा झटका दिया मराठा एम्पायर को क्यों बिकॉज इट वॉज अ फॉर्मल एंड टू द मराठा एम्पायर इतना बड़ा एंड था कि जो पेशवा की चेयर है जो पेशवा की पोस्ट है उसको एबॉलिश कर दिया गया था ना सिर्फ एबॉलिश किया गया बल्कि जो द्वितीय हैं उनको कहाँ भेजा गया कानपुर भेजा गया वहाँ एक पास में जगह है बिठूर वहाँ पे भेजा गया इनको एग्जाइल पे, एक बहुत बड़ा झटका था और मराठा की जितनी टेरिटरीज थी वो सारी किसने ले ली ब्रिटिश ने जबरदस्ती हथिया ली ब्रिटिश ने जबरदस्ती हथिया ली थी मराठा की सारी की सारी टेरिटरीज एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ मैसिव मैसिव ब्लो टू द एंटायर मराठा एम्पायर तो अगर कोई आपसे पूछता है पेशवा शिप को एबॉलिश कब किया गया है तो आप बोलोगे 1818 में आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इसको एबॉलिश कर दिया गया और मराठास की सारी टेरिटरीज को हथियार लिया गया इनके द्वारा दिस इज अटनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट ये अ फॉर्मल एंड टू द मराठा एम्पायर एक प्रॉपर एंड था मराठास का ये एक प्रॉपर एंड किसका था मराठास का एक बहुत प्रॉपर एंड माना जाता है ये मराठा एम्पायर का ये बात याद रखिएगा और इसी से लिंक है वैसे तो नाना साहब इनके अडोप्टेड सन थे और बाद में जाके क्योंकि फ़ादर की पेंशन उनको नहीं मिल रही थी तो उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में भी हिस्सा लिया दैट्स अ डिफरेंट थिंग वो किसी और लेक्चर में करेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बादी राव को इसलिए कानपुर भेजा गया ताकि ये मराठा एरिया से दूर रहे मराठा के जो महाराष्ट्र के एरियाज़ हैं ना उससे दूर रहे और ये वापस से अपनी पावर्स ना हासिल कर पाए ये वापस से अपनी पावर्स को हासिल ना कर पाए ये एक बहुत बड़ी साजिश थी ये एक बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा था आई होप आपको ये बात समझ आई हो जो मैंने बताई है गेटिंग इट सो ब्रिटिश वर वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स ब्रिटिश हमेशा से इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्या रहते थे केयरफुल रहते थे और वो अपनी प्लानिंग उसी प्रकार से करते थे वो अपनी प्लानिंग उसी प्रकार से क्या है करते थे आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन अब आप एक चीज़ याद रखिए फिर से वॉरन एसिंग ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है उसको हैंडल किया लॉर्ड वेलेसली ने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर को हैंडल किया लॉर्ड एसिंग ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को हैंडल किया ये तीनों वॉर्स को हैंडल किया गया कब किया गया है फिर से सुन लो 1775 से 1782 तक हुई है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक हुई है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एटीन से एटीन तक हुई है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये एक तरह से आप ये कहो क्विक क्या है री कैप है अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये जो तीन एंग्लो मराठा वॉर्स है इनमें से कौन सी वॉर को हम लोग पिंडारी वॉर के नाम से भी जानते हैं यू हैव टू क्विकली टेल मी यू हैव टू क्विकली टेल मी दिस थिंग बताइए जरा फटाफट बता दो मुझे क्विकली एवरी वन प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू वॉचिंग द सेशन किस लड़ाई को पिंडारी युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं सोनिया वेरी गुड वेरी नाइस अजे बहुत बढ़िया इट इज एप्सल्यूटली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आर यू ऑल इंजॉइंग द सेशन आई होप आपको मजा आ रहा है सेशन में इतने सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास कि आपको श्योरली अच्छा लगेगा ही लगेगा एप्सोल्यूटली गेटिंग इट अच्छा अगर कोई आपसे पूछता है अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया ट्रीटी ऑफ बेसिन से कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है उससे कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी तो हुई थी सेकेंड एंग्लो मराठा लड़ाई जो है वो उससे स्टार्ट हो गई थी पता है ना एटीन जीरो टू में ट्रीटी साइन हुई एटीन जीरो थ्री में लड़ाई शुरू हो गई इट वॉज दिस वन क्लियर सो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी इससे हम लोग क्या करते हैं स्टडीज को बोलते हैं इससे हम लोग मैक्सिमम अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर भी कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से उसको रिवाइज भी कर लेते हैं और वो हमारे जहन में लंबे समय तक रहता भी है सो नॉलेज इज अ रेवोल्यूशन मेक श्योर यू ऑल शेयर दिस सेशन टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट दिस नॉलेज इज नॉट स्टेइंग जस्ट विद यू एंड इट इज रीचिंग टू द मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो शायद प्रिवेज इतने ना हो जिनको शायद इस तरह के चीज़ों के बारे में ना पता हो क्लियर तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं

फॉर अ गुड नंबर ऑफ वीक्स और ईयर्स आई वुड से लर्न हो गया ना आज सो so यही मजा है बेसिकली इस तरह के सेशन्स का सो आई होप आपको ये सेशन बहुत धमाकेदार लगा है सो so अगर धमाकेदार लगा मेक श्योर यू ऑल शेयर एंड लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन सो दैट यू आर हेल्पिंग अलॉट ऑफ अदर पीपल्स लाइक यू ठीक है sure like so like क्लास बस थोड़ी देर ही और है नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट ऑल द पीपल हु है मेरी प्राउड ऑफ देम एंड वी विल ऑल्सो भी प्राउड ऑफ यू आफ का जो प्रैक्टिस कोर्स है यू ऑल नो राइट इट्स गोइंग ऑन यू कैन डेफिनेटली जॉइन द प्रैक्टिस और सबसे बड़ी बात है सी का भी प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है यू द एग्जाम इज आउंड दॉर्नर सेवन फेबुवरी तो बस एग्जाम सिर पर ही है तो ये रिवाइज करने के लिए बेस्ट है इस तरह की क्लासेज और प्रैक्टिस कोर्सेज सी डी एस ओ टी स्पेशल प्रैक्टिस कोर्स भी है हमारे पास जो चल रहा है यू ट्राई टू गिव यू द बेस्ट वट वी कैन अवदय एक्सप्रेस कोर्स के बारे में तो आप जानते ही हो बिल्कुल देखिए राखी रट्टा लगाइए वहाँ पे जहाँ लगाने की जरूरत हो यहाँ पे रट्टे की ज़रूरत नहीं जब आपको समझ आ जाए एक एक चीज़ यहाँ पे हमने इतने अच्छे से कर लिया है ना अब सी डी एस और एफकेट के लिए आपको निश्चिंत रहना है आपको निश्चिंत रहना है एंड ऑलवेज यूज़ दिस कोड आप टेन टू गेट टेन डिस्काउंट ग्रेड ग्रेडअप सुपर के बारे में तो आप जानते ही हो सो ऑलवेज ट्राई टू जवाइन इट ए एस ए पी सो देट ऑल आर गेटिंग ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम सच सेशंस फाइन तो जाते जाते एक क्वेश्चन देता हूँ मैंने ऑप्शन का उसको कमेंट जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में एवरी वन ऑफ यू फाइन क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है दैट लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उनकी वजह से कौन सा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग ने कौन सा एंग्लो मराठा वॉर करवाई है या उसमें पार्ट लिया है ये कमेंट करते हुए जाइएगा एंड मे यू ऑल हैव अ ब्रिलियंट डे एंड एन्जॉय योर लोडी एंड मकर संक्रांति अगेन बेस्ट विशेष फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ ग्रेटर डिफेंस फॉर ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच एंड ये लास्ट क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में करते हुए जाइएगा एप मैरी अपूर्व शैलेंद्र विशाल अंकित नीरज मोनिका राखी सुधा अनिकेत अभिषेक शैलेंद्र चलिए आई एम ग्लैड कि आपके कंसेप्ट में क्लियर करवा पाए आज इट्स अ बिग थैंक यू